भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव की बात करें तो खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं। साथ ही उनके फिल्मों और गानों को लेकर चारों तरफ चर्चाएं ही की जाती हैं। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव का गाया हुआ गाना रेड लिपस्टिक काफी ज्यादा चर्चाओं में बना रहा। इस गाने के बोल और म्यूजिक लोगों के दिलों को छू गए और यही बड़ी वजह थी कि इस गाने के मिलियंस व्यूज कुछ ही दिनों में हो गए थे। गाने की लोकप्रियता को देखते हुए अब खेसारी लाल यादव पर एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। वो बड़ा दबाव यह है कि आखिर कब खेसारी लाल यादव एक बॉलीवुड फिल्म करेंगे। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के बाद से ही नेपोटिज्म का खुलासा हुआ था। भाई भतीजावाद को लेकर खेसारी लाल यादव ने भी अपना रिएक्शन दिया था और सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर अपना गुस्सा भी प्रकट किया था। आए दिन सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग करते ही रहते थे, लेकिन ऐसे में अब माना जा रहा है कि खेसारी लाल यादव सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए एक बॉलीवुड फिल्म करेंगे। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि जब से इस बात का खुलासा हुआ था तब से ही अब खेसारी लाल यादव के फैंस लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो एक हिंदी फिल्म लेकर आए। साथ ही अब खेसारी के फैंस भी इस बात को लेकर मांग पर अड़े हुए हैं कि खेसारी लाल यादव जल्द ही बॉलीवुड सिनेमा में अपना डेब्यू करें। बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत पर जिस हिसाब से नेपोटिज्म का कहर देखने को मिला और भाई भतीजावाद के कारण उनसे फिल्में छीनी गई, उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग इन दोनों काफी जोरों शोरों पर है। भले ही ये केस सीबीआई के पास आ गया हो और इस मामले की जांच सीबीआई काफी बारीकी से कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन भाई भतीजावाद को करारा जवाब देने के लिए खेसारी लाल यादव जल्दी हिंदी सिनेमा में अपना कदम रख सकते हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव आज से कुछ महीने पहले सलमान खान के सुपर डुपर हिट टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में भी अपना कदम रखा था और उसके बाद से चर्चाएं की जा रही थी कि शायद खेसारी लाल यादव अब हिंदी सिनेमा में भी अपना रुख करेंगे। अगर ऐसा करते खेसारी लाल यादव तो उनकी लोकप्रियता सिर्फ भोजपुरी सिनेमा में नहीं बल्कि बॉलीवुड सिनेमा में भी हमें देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि खेसारी लाल यादव हर एक किरदार में पानी की तरह ढल जाते हैं और यही बड़ी वजह है कि दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव के हिंदी सिनेमा डेब्यू को लेकर आपका क्या विचार है? क्या खेसारी लाल यादव को बॉलीवुड में अपना कदम रखना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।